आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन परत की उपयोगिता क्या है। हम जानते हैं कि ओजोन को किससे दर्शाते हैं, O3 से, और यह 3 ऑक्सीजन परमाणु जब मिलते हैं तब बनता है ओजोन। यह पाया जाता है पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। और इस परत में क्या होता है, इस वायुमंडल में एक परत है जिसमें ओजोन गैस भरा हुआ है और इसमें पूरे वायुमंडल का 91% से भी ज्यादा ओजोन यहाँ पाया जाता है, ठीक है। यह क्या करता है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को यह क्या करता है, रोकता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, यह हो गया एक पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के ऐसे चारों ओर क्या है, एक ओजोन परत है 10 से 50 किलोमीटर के दूरी तक, ठीक है। ये क्या करती है, इस पराबैंगनी किरण को रोकती है। पराबैंगनी किरण क्या होती है, वस्तु को गर्म करने का काम करती है, उच्च आवृत्ति होती है। अगर यह किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो क्या हो जाएगी, हमारी त्वचा जलने लगेगी और जो फसलें हैं वो गर्मी के कारण क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए ओजोन परत को क्षय होने से बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या हो जा रहे हैं, क्षय होते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो संयंत्रों से, वाहनों से निकलते हैं, वो सब ओजोन परत को क्षय पहुंचाते हैं, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।